हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टारटेक। इस वीडियो में मैं बात करूंगा आईक्यू G6 प्रो के बारे में, जो कल ही लॉन्च हुआ है। इस फोन में क्या स्पेसिफिकेशन है, OS, चिपसेट, पोर्ट्स, कनेक्टिविटी और क्या अच्छी है क्या बुरी है, इसके बारे में मेरा ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक बने रहिए। आईक्यू G6 प्रो दोस्तों, आईक्यू G सीरीज में प्रो वर्सन नहीं आता था, लेकिन इस बार आया है। तो पहले बात करते हैं बॉक्स में क्या क्या आता है। दोस्तों, बॉक्स आप लोगों को पहले जैसा ही मिलेगा और इसमें कुछ नया भी नहीं है। और बॉक्स के अंदर फ़ोन तो मिलेगा और क्लियर केस मिलता है, सिम इजेक्टर पिन, डॉक्यूमेंटेशन, टाइप ए टू टाइप सी केबल और 66W की वीम की स्प्लैश चार्जर आता है। अब आते हैं इस फोन की स्पेसिफिकेशन पे। इसमें 6.44 इंच एमोलेड डिस्प्ले मिलता है विथ 90Hz रिफ्रेश रेट और इस फोन में आप लोगों को 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलता है। इसका मतलब आउटडोर में भी अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और कैमरा की बात करें तो इसमें 64MP की प्राइमरी लेंस, 8 की अल्ट्रा वाइड और 2MP की मैक्रो मिलता है। और वाटरड्रॉप नॉच में जो सेल्फी आता है वो 16MP की है। अगर इस फोन की बैटरी की बात करें तो इसमें 4700mAh की बैटरी मिलती है, जो आराम से आपका एक दिन आराम से निकल जाएगा। और साथ ही साथ चार्जिंग में आप लोगों को 66W की वीवो की स्प्लैश चार्ज मिलता है, जो 55 मिनट से 1 आवर के अंदर फोन को फुल चार्ज कर देगा। अब आते हैं इस फोन के मेन पार्ट पे, मतलब ये सीरीज जिसके लिए जाना जाता है और वो है परफॉर्मेंस। दोस्तों, परफॉर्मेंस के लिए इस फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G मिलता है, जो 6 MP बेस्ट है। अगर इसके अंतुतु स्कोर की बात करें तो ये 5.5 लाख के ऊपर स्कोर दे देता है। और इस फोन में आप लोगों को आईक्यू का वेपर कूलिंग चैम्बर भी मिलता है, तो BGMI COD मोबाइल मीडियम पे सेट करके आप अच्छे से खेल सकते हो, तो गेमिंग में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस फोन में आप लोगों को 2 कलर ऑप्शन मिलते हैं और 3 रैम वेरिएंट मिलता है, 6128, 8128 और 12 256GB। और इस फोन में आप लोगों को UFS 2.1 की स्टोरेज टाइप और LPDDR4X की रैम टाइप मिलता है। दोस्तों, कनेक्टिविटी की बात कर तो इसमें आप लोगों को ऑब्वियसली 5G मिलता है और 7 5G बैंड मिलता है और Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 की सपोर्ट और 12 4G वोल्टी और Wi-Fi कॉलिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। इस फोन को लेकर मेरा ओपिनियन है, इस फोन की डाउनग्रेड पॉइंट है इस फोन की डिस्प्ले नॉच। इसकी डिस्प्ले में देखोगे तो इसमें वाटरड्रॉप नॉच आता है, जो कि प्राइस पॉइंट के हिसाब से अच्छी नहीं है। दोस्तों, 25 से 30 हज़ार के फोन में वाटरड्रॉप नॉच कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा। अगर इसमें 5 जोल होता तो अच्छा होता। और इस फोन की जो बैक पैनल की डिज़ाइन है वो भी उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि आईक्यू G5 जो है उसमें सेंटर 5 जोल डिस्प्ले मिलता है और बैक पैनल की डिज़ाइन भी आईक्यू G6 प्रो से काफ़ी अच्छा है, लेकिन बाकी के फीचर्स और परफॉर्मेंस अच्छा मिलता है। तो ये है मेरा ओपिनियन। और इस फोन को लेकर आपकी क्या राय है, कौन सी चीज़ बुरी है या फिर कौन सी चीज़ अच्छी है, इसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे हम इसी तरह की कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।